हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो चलिए गाइस, सभी लोग तैयार हो तो बिल्कुल तैयार हो तो स्टार्ट कर देते हैं आज का अपना सेशन। तो चलिए आज भी देखो अपन BSTC का, तो जो 2019 का जो मेडल पेपर आया, जो पेपर आया था 2019 के अंदर, उस पेपर के क्वेश्चन करने वाले हैं आज। कल के क्लास में देखा था आप सभी ने 2020 के क्वेश्चन किए थे। अभी देखो दो तीन दिन अपना ऐसे ही चलेगा, अभी मॉडल पेपर ही करेंगे। PTET के मैंने जो मॉडल पेपर थे 4-5 साल के आपको करवा दिए थे, 21 से लेकर 15 तक। अभी अपन करने वाले हैं BSTC के मॉडल पेपर। वहाँ पे अपने 50 क्वेश्चन आते थे तो 50 क्वेश्चन करते थे, यहाँ पे अपने 30 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन करेंगे। अब कोई बच्चा ये मत सोचना बालक बालिका के सर ये हमारे PTET वाले के काम के नहीं है, बिल्कुल PTET वाले को भी उतना ही फायदेमंद है जितना BSTC वालों के लिए है। ठीक है, तैयार हो सभी? तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। तो सभी एक बार, जो भी बालक बालिकाएं हैं जिन्होंने क्लास लाइक नहीं की है, वो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। या आज का आपके लिए देखो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है आपके लिए कि देखो ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। ठीक है ना, डरना नहीं है आपको ना। कैसे, जैसे एक बार इसको देख लो फिर बताता हूँ ना, कि ज़िंदगी में कभी रिस्क लेने से मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। ठीक है ना, कोई कहता है ना कि मैं हार गया जीत गया, देखो हारता कोई नहीं, वो कुछ ना कुछ लेके जरूर आता है, या तो कुछ उसको सीख मिलती है। ठीक है ना, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो, मान लो कई बच्चे हैं जो लास्ट ईयर BSTC या PTET में कॉलेज नहीं ले पाए, तो वो बच्चे देखो हार ही नहीं है, उनको क्या हुआ है, उनको सीख मिली है कि हमने उस समय क्या किया जिसके कारण अपने को नंबर नहीं मिले, नहीं आए ना। तो देखो रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए, बस मैदान में कूद पड़ो, जो होगा वो देखा जाएगा। कई बार कई बच्चे कहते हैं सर हमें गाड़ी चलाना नहीं आती। अरे नहीं चलाना आती, एक बार बैठो तो सही, आएगी ना, हौसला तो रखो। हौसला ऐसे होना चाहिए कि अगर हमारे को प्लेन भी दे देना तो एक बार तो उसको भी उड़ा दिया ना, एक बार तो उसको भी उड़ा दिया, चाहे वो नीचे अपने को उतारना आए या नहीं आए ना। जैसे एक बार कई पहले क्या करते थे बच्चे, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे ना, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, अब उनको उतरना नहीं आता था ना, लेकिन उनका हौसला देखो, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, उतरना आता नहीं था ना, फिर वो सीख जाते हैं ना उतरना भी। तो ऐसा होना चाहिए हौसला, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो ये आज का देखो आपका पहला क्वेश्चन है, देखो आपके पेपर में जो संख्या है ना, वो भी आपके 171 से ही स्टार्ट होने वाली है ना, 171 से स्टार्ट होने वाली है। 171 से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, BSTC वाले ध्यान रखना वहाँ पे, है ना। और 171 से ही संस्कृत के क्वेश्चन होंगे, तो आपको दोनों में से एक लैंग्वेज करनी है। फिर आपके 151 से 70 तक जो आपकी इंग्लिश है वो चलने वाली है, क्लियर है। तो चलिए आज का अपना सेशन देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा शब्द जो है यहाँ पे तद्भव है, मधुप है, बर्मर है, मधुकर या बावरा। तो कौन सा जो शब्द है यहाँ पे आपका तद्भव है, तो मधुप, बर्मर, मधुकर, तो आपका बावरा। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है सेकेंड क्वेश्चन आज का अपनी क्लास का, कि देशज शब्द नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है देशज शब्द है जो नहीं है, आपकी खिड़की है, आपके जो बूट है ना, अरे आपके जूते, बूट है, रिंगंडा है, और पाग है, पाग वो पगड़ी है ना, पाग का जो पगड़ी होती है ना वो वाली, तो कौन सा देशज नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपका खिड़की है वो भी देशज है, पाग है, रिंगंडा है। ठीक है ना, देखो शब्द से ही पता चल रहा है रिंगंडा ऐसा शब्द क्या होता है, ये देशज है। बूट आपके है ना, ये जो आपके जूते हैं ना बूट, ये आपका देशज शब्द नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सा शब्द शुद्ध है। अभिषेक आपको बताना है कौन सा शुद्ध है, संधि पढ़ाई थी उस समय बहुत बार बताया था, पपीता से, पाइनएप्पल से, जो भी जो एग्जांपल है सारे देके आपको बताया था, संधि बता रखी है, व्यंजन संधि होती है, अभिधन शेक इसका संधि विच्छेद होता है। अब आपको बताना है जो पूरा शब्द है उसमें कौन सा शेक था, संधि विच्छेद में कौन सा शेक था आपका। ठीक है ना, तो बताइए क्या होगा। तो अभिषेक का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका अभिधन शेक। ठीक है ना, जब इसको तोड़ेंगे, अरे जब पपीता को तोड़ेंगे उसका चूरा चूरा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, शेक बन जाएगा। तो शेक बनेगा ऐसे, बाकी उसको एक जगह रहेंगी ना, वो एकजुट रहेगी तो अपन उसको, तो शेक में ध्यान रखना इसमें सह चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन आपका ए है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है तक। फिर चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है।
क्वेश्चन देखो थोड़ा घुमा दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सा शब्द है जो अशुद्ध नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे शुद्ध शब्द बताना है। तो देखो कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, तो यहाँ पे आपकी जो जलवायु है वो अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, तो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, चलो एक पूरा ही देख लेते हैं ना, ये वाला एक सिंगल ही देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए किस समूह के सभी शब्द यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द आपको बताना है किस समूह में है। यौगिक शब्द का मतलब दो जुड़े हुए शब्द, जैसे यहाँ पे किताब है, घोड़ा है, मस्जिद है, अजायब घर है। देखो अजायब घर तो हो जाएगा, सभी पूछा है, घोड़ा नहीं है, किताब नहीं है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखो चाय नहीं है, जूता नहीं है, दर्शक नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे साड़ी नहीं है, हवा नहीं है, चम्मच भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब आपका बचा ऑप्शन बी, जिसमें देखो सारे शब्द जो है वो यौगिक शब्द है। कैसे है सर? देखिए रसोई घर, रसोई के लिए घर। अनपढ़, अरे जो पढ़ा नहीं वो अनपढ़। जैसे आप में कुछ बच्चे अभी तक है जो पढ़ाई चालू नहीं किए भी ना, अनपढ़। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आले, या आपके वैसे शब्द है ना वो जाएंगे किस समास में, वो चले जाएंगे आपका जो तत्पुरुष समास है उसके अंदर चले जाएंगे। तो रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय और आपका राजमहल, राजा का महल। तो इसमें चारों शब्द है वो यौगिक शब्द है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पर अपना ना, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो ये देखो आप तो पांचवी क्लास से जब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आप बच्चे थे उस समय से पढ़ते आ रहे हो कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जब नन्हे मुन्ने अब आप वयस्क बन गए, बालक बन गए, तो अब उस समय अगर आप इसको गलत कर रहे हो ना, तो ये भाई साहब आपकी गलती है ना, कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत ज़्यादा विश्वास करना, दूर दूर तक दिखाई देना, सागर के उस पार। तो ये हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। देखो ईद का चांद कब दिखाई देता है, ठीक है ना, एक महीने बाद में ना, जब ईद आती है ना तो बहुत दिनों बाद दिखाई देता है ना, तो सॉरी एक महीने बाद में नहीं है ना, ईद जब आती है ना उस समय दिखाई देता है। तो ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, चना, आपका चना का तत्सम रूप आपको बताना है क्या होगा। चणक, चना, चाणक और चणाक, तो चना का तत्सम रूप हो जाएगा आपका चणक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे ये वही चणक है जो लोग कई बार देशी भाषा में बोलते हैं ना, किसी के कमर में दर्द हो जाता है तो बोलते हैं ना मेरे तो चणक गई है ना, कमर में किसी के कई बार दर्द हो जाता है तो चना का हो गई चणक, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगरा। आगरा का बहुवचन क्या होगा, आगरा का बहुवचन बताओ बताओ। आपका जो ताजमहल है आगरा यूपी में, जो आपने आगरे के पेटे खाए ना, आगरा का बहुवचन क्या होगा। आगरे, आगरो, आगरे बहुवचन नहीं होता, क्या होगा इसमें। अरे बहुवचन करके देखो कि अगर ये मान लो आप लोग ऐसे कहोगे मैं आगरा देख के आया हूँ, तो अगर आप दो जने जाओ तो भी वो आगरा ही होगा, एक जाओगे तो भी आगरा ही होगा। आप कई बार ऐसे कहोगे कि मम्मी मैं एक आगरे का पेठा लेके आया हूँ, तो एक आगरे का पेठे लेके आया हूँ, या मैं दो आगरे के जो आगरा का पेठा लाया हूँ, तो उसका देखो कोई बहुवचन नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे कई चीज़ें होती है ना जो हमेशा बहुवचन में होती है, हमेशा एक वचन में होती है, ठीक है ना। वचन आपको पढ़ाए हुए हैं उस समय, सारी चीज़ आपको बताई हुई है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, चलिए दो क्वेश्चन साथ देख लेते हैं ना, इनमें से किस शब्द में शवर जो मात्रा संबंधी अशुद्धि है। आपको बताए को अशुद्धि अशुद्धि होती है, वो चाहे कैसी भी हो ना, गंदगी गंदगी होती है चाहे कैसी भी हो ना, तो अशुद्धि अशुद्धि होती है वो, चाहे विशेषण संबंधी हो, चाहे अव्यय संबंधी हो, चाहे क्रिया संबंधी हो, चाहे सर्वनाम संबंधी हो, चाहे संज्ञा संबंधी हो, चाहे संधि संबंधी हो, चाहे स्वर संबंधी हो, चाहे व्यंजन संबंधी हो,
मात्रा संबंधी हो, कैसी भी हो, अशुद्धि अशुद्धि होती है। तो इसमें आपको बताइए सरोजनी है, ग्रहिणी है, प्रदर्शनी है और अहिल्या है। तो इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो आपका सरोजनी नायडू बिल्कुल सही है, तो ये किसी की ग्रहिणी है सरोजनी नायडू, वो भी सही है। अहिल्या भी आपका सही है, प्रियदर्शनी आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना, प्रियदर्शनी है वो गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, उचित नहीं है बलि का बलि बलिदान बलि शक्तिशाली सूर देवता सूर वीर वसन बर्तन व्यसन मदपान शोक का दुख शोक का चाव, कौन सा यहाँ पे गलत है यह आपको बताना है। देखो बलि का बलिदान, बलि का बकरा, ठीक है ना, कहते हैं ना बलि का बकरा, तो बलि किसकी दी जाएगी, उस जिसका बलिदान हो जाएगा, जिसकी बलि दी जाएगी। तो बलिदान, इस बलि का मतलब शक्तिशाली, बकरा काफ़ी शक्तिशाली था लेकिन उसकी फिर भी बलि दे दी गई। सूर का देवता, सूर का वीर, ये देखो वसन का बर्तन और व्यसन का मंदता, जो मंदपान है ना, ये वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे। शोक का दुख, जो आपके सुख शोक लगता है ना, जो किसी के गुजर जाने पे होता है ना शोक संदेश, कई बार अखबार में भी आता है ना शोक संदेश, तो वो वाला आता है ये वाला, ये शोक है आपके, जो अगला शोक है डबल डबल मात्रा वाले है ना, तो आपके डबल शोक हो जाते हैं ना, तो डबल शोक जो आपके है ना वो चाव, आपके शोक होते हैं ना जो बचपन में थोड़े बड़े हो जाने के बाद, बारहवीं ग्यारहवीं पढ़ते हो, जब कॉलेज में आते हो, पापा को बोलते हैं मोबाइल लाना है, आईफोन लाना है ना, शादी करनी है, तो वो सब आपके क्या होते हैं, शौक होते हैं ना। लेकिन ध्यान रखना, शौक जो आपके है ना, वो आपके माँ बाप के जो पैसे हैं उन्हीं से ही पूरे होने वाले हैं ना, वो उन्हीं से ही पूरे होने वाले हैं। अगर आपकी नौकरी जल्दी लग गई, अगर आपकी शादी नहीं की हुई है, तो आप थोड़े बहुत पूरे कर सकते हो, बाकी अपनी जब तुम्हारी नौकरी लगेगी, शादी अगर कर की हुई या आपकी आपकी नौकरी लग जाएगी, तो उसके बाद में शौक नहीं, ज़रूरतें ही पूरी नहीं होने वाली है, ऐसे मान लेना, ज़रूरतें ही नहीं पूरी होने वाली है। इसलिए शौक जो है वो अपने माता पिता के पैसों से ही पूरे करता है बालक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी कल की क्लास में बताया था ये क्वेश्चन, देखिए क्या है। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, गर्मी में वायु, वायु का मतलब हवा, हवा का मतलब समीर, जो आपकी है वो तेज गति से चलती है, ठीक है ना। अगर गर्मी में तेज गति से चले तो मज़ा आ जाएगा ना, अगर सर्दियों में चले तो अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वायु है इसका पर्यायवाची आपको बताना है, समानार्थक कौन सा है, पवन है, पावक है, चक्रवात है और अनल है। तो आपका देखो ये अनल है, ठीक है, अनल और पावक, ये तो आपका किसका हो गया, ये तो जो आपकी अग्नि है, ठीक है ना, आपकी जो अग्नि है, आग है उसका है, ठीक है ना, अग्नि जो आग है उसका हो जाएगा, बाकी इसका हो जाएगा आपका पवन, ठीक है ना, पवन, समीर, वायु, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे हवा, ये हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे वायु, समीर, पवन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके लिए नया ही क्वेश्चन है एक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूत सपूत, चलो इसको ऑप्शन तो देखते हैं ना, पूत सपूत क्यों धन सचे, पूत कपूत क्यों धन सचे से तात्पर्य है। ये जो आपको एक दोहा जो लाइन दे रखी है उसका आपको तात्पर्य बताना है कि पूत सपूत क्यों धन सचे, पूत कपूत क्यों धन सचे, एक लाइन है तो दो बार लिख रखी है। तो सपूत के लिए धन संचय करना निरर्थक है, पर कपूत के लिए भरण पोषण के लिए धन संचय करना आवश्यक है। पुत्र सपूत हो या कपूत, उसके लिए धन संचय करना निरर्थक है, कि जो अपने माता पिता है ना, चाहे उसका पुत्र कैसा भी हो, सपूत हो कपूत हो, उसके लिए धन संचय करना निरर्थक है, क्योंकि उसको अगर धन दे दोगे तो वो पढ़ाई जो मतलब है वो अपने करियर वो कैसे बनाएगा, ठीक है ना। अभी वो बच्चा बारहवीं में है, उसी को अभी से सारी सुख सुविधाएं दे देगो, मोबाइल दे दिया जाएगा, गाड़ी दे दी जाएगी, तो वो अपनी मतलब सारे शौक चाव पूरे कर लेगा ना, वो अपना मतलब है, उसको पता नहीं चलेगा कि अपनी ज़िंदगी क्या तीर क्या बन जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना, उसको पता नहीं चलेगा कि वो ज़िंदगी किस काम की, जो अपने माता पिता के काम न आई है ना, तो उसको उसकी ज़िंदगी का पता ही नहीं चलेगा ना, वो जवानी भी किस काम की है ना, जो अपने माता पिता के काम न आए। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है, बड़कपन है, परायापन है, अपनापन है और छूटपन है।
तो देखो भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है, तो भाववाचक में क्या आते हैं आपको बताया हुआ है ना, जो आपकी ममता, इश्क, प्यार, मोहब्बत, अपनापन है ना, दूरापन जो भी है ना, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, अपना से बन गया अपनापन। पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है? अभी भाई आमों की सीजन चल रही है, पेड़ से कई आम गिर गए हैं ना, इसमें बताइए कौन सा कारक है। तो जैसे ही पेड़ से आम गिरे, हवा का झोंका आया बहुत ही तेज गति से। पास में ही अपनी क्लास से कुछ बच्चे थे जो बालक बालिकाएं थी, वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे थे, पास में बैठे दूसरे पेड़ के पास में क्लास ले रहे थे। जैसे ही हवा चली तो उन लोगों को घर तो दिखा नहीं कि घर में तो जाएंगे बाद में, पेड़ दिख गया, पेड़ से गिरे आम, और जैसे ही गिरे आम वो धड़ाम से भागे पेड़ के नीचे, क्लास को किया बंद और आगे घर पे आम लेके, है ना। तो पेड़ से कई आम गिरे, तो इसमें आपका हो जाएगा अपाधान। अरे पेड़ से आम गिर रहे हैं, जैसे ही पेड़ से आम गिरे बालक बालिका ने देखा तो उधर तो वो हो गए फोन से अलग, है ना, वहाँ पे भी हो गया अपाधान कारक। उधर तो जो बालक बालिका थी वो हो गया फोन से अलग, तो किसी चीज़ से अलग होना, तो वहाँ पर भी हो गया अपाधान कारक। जैसे हवा आई आम नीचे गिरा, वैसे ही बालक भागा, ठीक है ना, और भागा फोन को रखे, तो वैसे हो गया फोन से अलग। यहाँ पेड़ से आम गिर गया तो आम हो गया पेड़ से अलग, तो अपादान कारक हो गया ना, अपादान से अलग होना। अरे ऐसे ही क्या हुआ था, ऐसे ही हजारों करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था, न्यूटन तो था ना जिसने साइंस बना दी, है ना, जो न्यूटन था उस पर गिर गई थी सेव, न्यूटन पे गिर गई थी सेव, तो वो तो क्या कर लिया उसने, तो उसने देखा भाई सेव कैसे गिरी, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आपको तो आम खाना था, गया उठा के लेके आ गए, ठीक है ना, तभी अभी यहाँ हो, नहीं तो न्यूटन की जगह होते अभी साइंस बना देते हैं ना आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, अब बना देना है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन है अपादान कारक। अपादान कारक युक्त जो वाक्यांश है, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है अपादान कारक है वो किस वाक्य के अंदर है, तो अपादान से अलग होना, मेघों से आच्छादित, पद से चयुक्त, कष्ट से साधे, बसम से आवृत। तो पद से चयुत मतलब पद से अलग होना, पद से चयुत, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पद से चयुत का मतलब पद से अलग होना, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसके लिए, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है क्या होगा। देखो शत्रुहीन मत कर देना, ऐ शत्रु भी नहीं होगा, नी शत्रु भी नहीं होगा, उसका हो जाएगा अजात शत्रु। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, अर्थ की दृष्टि से वाक्य है, वाक्य कैसा है? अरे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, अरे मुझसे ऐसी अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग भग के वहाँ से मेरी क्लास को छोड़ के आम लूटने चले जाओगे, है ना, मुझसे आपको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वहाँ भग के कहीं एग्ज़ाम में मत कर लेना, एग्ज़ाम में मत लगन लेना, हॉल एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, गेट के बाहर ही उनके कोई आम का, सेब का, जो भी पेड़ है, अंगूर का, जो भी हवा चली, एग्ज़ाम छोड़ के उधर भग जाओ। एग्ज़ाम को छोड़ दिया, क्लास तो छोड़ दी कोई बात नहीं, बाद में ले ली, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम छूट गया तो एक साल गया, ठीक है ना, एक साल गया। तो यहाँ पे अरे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये क्या है, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका, सॉरी संदेहवाचक नहीं है ना, देखो संदेह नहीं, ये हो जाएगा विस्मयवाचक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी आपके ना, तो ये हो जाएगा आपका विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रमांक में सही वाक्य है आपको बताना है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, वह शायद कल गाड़ी से आए, उन्होंने 39 पुस्तकें चाहिए, 39 गलत लिख रखा है, आपका अंगुलिया मुझसे बड़ी है। अरे आपका अंगुलिया नहीं, अरे कोई हाथ की बात थोड़ी है, अंगुलिया है स्त्रीलिंग, ठीक
ठीक है ना, आपकी है ना, आपका नहीं, आपकी अंगुलियां मुझसे बड़ी है, तो ये भी गलत है। उसके प्राण पखेरु उड़ गया, अरे गया नहीं गए, ठीक है ना, प्राण पखेरु प्राण निकल गए, प्राण है आपका बहुवचन, तो यहाँ पे गया नहीं गए। वह शायद कल गाड़ी से आए, तो कल गाड़ी से आएंगे, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ए क्या बी है ना, ऑप्शन बी है ना, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो उन कौन सा वाच्य होता है। जब क्रिया में अगर जब क्रिया में कर्ता प्रधान होता है तो वो होता है आपका कर्तृवाच्य, ठीक है ना, कर्तृवाच्य हो जाएगा। जिसमें कर्म प्रधान हो वो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। भाववाच्य आपको बताया हुआ है, भाव वाली संज्ञा जिसमें आ जाए, ठीक है ना, वो भाववाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्वत के ऊपर की नुकुली भूमि को क्या कहते हैं। पर्वत के ऊपर की जो आपकी नुकुली भूमि है उसको क्या कहते हैं। उपतेका, अधितेका, शिखर या शिखी ध्वज। देखो ऊपर की भूमि नुकुली भूमि की बात कर रहा है ना, समतल भूमि नहीं है, ध्यान रख लेना, ये तुक्के लगाने वाले देख लेना, भूमि समतल नहीं है, भूमि है नुकुली, ध्यान रखना। पर्वत के ऊपर नुकुली भूमि, अरे नुकुली मतलब पत्थर वाली भूमि है, वहाँ पे तीखे तीखे पत्थर है। अगर बाय द वे गलती से गिर गए, पैर फिसल गया, तो ऐसे मान लेना गया कोई ना कोई अंग, है ना, तो नुकुली भूमि को कहेंगे शिखर, है ना। नुकुली जो भूमि होगी ना, अरे नुकुली कौन सी भूमि होगी, जो सबसे ऊपर होगी, जो सबसे ऊपर होगी वही तो होगी ना आपकी नुकुली भूमि, तो हो जाएगा शिखर, है ना। उपतेका होता है पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है ना, जिसपे ऊपर आप बैठ के नाश्ता करोगे, चाय पानी पियोगे, है ना, तो वो होती है समतल उपतेका। जो नीचे की भूमि होती है ना उसको कहते हैं अधितेका, ठीक है, नीचे की भूमि को अधितेका, ऊपर को उपतेका, और जो ऊपर ही ऊपर की है जो शिखर है, जो नुकुली है, उसको कहेंगे शिखर। आना कानी करना मुहावरे का अर्थ है, कानापूसी करना, रहस्यमयी बात करना, बुराई करना या टाल मटोल करना। तो देखो आना कानी करना, किसी को कई काम के लिए घरवाले कह देते हैं ना कि जा बेटा बाजार जाके आना है, लेकिन क्या हो रहा है उस समय, अगर कोई क्रिकेट का प्रेमी है, उसका क्रिकेट मैच चल रहा है, उसका आईपीएल चल रहा है, कई बालिकाएं हैं जो टीवी सीरियल की देखने की काफ़ी शौकीन होती है ना, काफ़ी शौकीन होती है, तो वो मम्मी कई बार क्या होता है, जो उसका पहला पार्ट आता है ना, अरे सीरियल में जो उसका पहला पार्ट आता है ना, उसके मतलब तीन पार्ट आते हैं, तो पहला पार्ट आता है वो काफ़ी थोड़ा लंबा आता है, 10-15 मिनट का, तो मम्मी कोई काम के लिए बोली बेटा जा वो करके आ जा, रुको मम्मी रुको मम्मी, है ना, एडवर्टाइजमेंट आने दो, एडवर्टाइजमेंट आने दो, एडवर्टाइजमेंट आते आते लग जाते हैं 15-20 मिनट, तो वो क्या करती रहती है, टाल मटोल करने रहती है। मटोल करना मतलब किसी काम के लिए, टाल मटोल करना मतलब उसको टाल देना, है ना, तो टाल मटोल करना, आना कानी करना, ठीक है ना। ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे घर पे तो मम्मी ने कर लिया टाल मटोल, जब वो बाजार जाती है ना तो वहाँ पे मम्मी कर लेती है ना, वो कहती है नहीं मम्मी मुझे ये लेना है, नहीं बेटा कल परसों लिया था, वो उस दिन लिया था, वो ठीक नहीं है, तो मम्मी भी क्या करती है फिर बराबर कर लेती है ना, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभिराम और अविराम, ठीक है ना, अभिराम और अविराम जो शब्द है इसका आपको जो अर्थ है वो बताना है, अविराम और अभिराम टका, ठीक है। तो अभिराम का हो जाएगा सुंदर है, ठीक है ना, अभिराम का हो जाएगा सुंदर, अविराम का हो जाएगा लगातार, तो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगातार और सुंदर नहीं, अविराम, अरे अविराम का मतलब है बस बिना रुके चलती है, कोई विराम नहीं है, मतलब वो लगातार चल रही है। अविराम, विराम का मतलब क्या होता है, रुकना, लेकिन वो ए उपसर्ग लग गया तो उसका अर्थ हो गया चेंज, न रुकने वाला, जो रुकने वाला न रुकने वाला था वो रुकने वाला बन गया, ठीक है ना, न रुकने वाला हो गया वो लगातार,
अभिराम समझ गए। अब अभिराम आ जाए उसका मतलब है सुंदर, ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्म में सही अर्थ किसका है, सही अर्थ आपको बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। रीत का गलत और ऋतु का मौसम, देखो रीत का गलत नहीं होता ना, ऋतु का तो मौसम सही है, लेकिन ये वाला गलत है। अली का बोरा, अली का सकी, कदम का एक वृक्ष और कदम एक डंक, ना कदम देखो एक वृक्ष होता है लेकिन ये डंक गलत है। तरणी का सूर्य और तरुणी का युवकती, तो यहाँ पे देखो तरणी सूर्य नहीं है ये वाला, अरे ये वाला आपकी नाम है ना, ये वाला नाम है, सूर्य तो ये वाला होगा, ठीक है ना, सूर्य इसका होता है, इस तरणी की तो नाम होती है, ठीक है, और ये तरुणी आपकी युवकती, ये तो सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो आपका बोहरा और जो सखी है ना, अरे जो आपकी सखी सहेली है ना, आपकी प्रिय मित्र, वो है आपकी अली यानी सखी और अली यानी बोहरा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, घर की मुर्गी दाल बराबर है, घर की जो मुर्गी है वो दाल बराबर है, कहावत का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो देखो जो कहावत होती है ना, कहावत में ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में दे दिया घर की मुर्गी दाल वाल, तो ये जिसमें भी आ गया घर की मुर्गी दाल बराबर है, ये उसको तो आप डिलीट कर दो, है ना, मुर्गी और दाल, मुर्गी और दाल, कहावत में जो दिया हुआ है ना, वो जिसमें आ गया ना, उसको तो आप डिलीट कर देना, उसका अर्थ वो तो कदापि नहीं होगा। तो देखो इसमें घर की मुर्गी दाल, घर की मुर्गी, घर मुर्गी, जिसमें दाल आ गई ना उसको तो छोड़ो, मुर्गी दाल इसमें भी आ गई, अपने आदमी को कम महत्व देना, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अरे कई कबार क्या होगा, अरे ये बात बताऊँ कभी की है, जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, जब आप मास्टर बन जाओगे, तो जब आप अगर पड़ोसियों के घर भी जाओगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा, जो पड़ोसी है अपने वाला जो लड़का है उसको कम महत्व देगा, आपको अधिक महत्व देगा, अपने आदमी को कम महत्व देना, मतलब पड़ोसी है वो आपका अधिक महत्व देंगे, आपको कहिए आइए कैसा है, इतने दिन है, इनके लिए चाय बनाई है, नाश्ता बनाई है ना, इतने दिन अभी आप नहीं लग रहे ना, तो आपको अभी तो क्या है कुछ भी नहीं, गए कोई बात नहीं, जाके वापस आ गए, लेकिन जॉब के बाद आओगे ना, तब आपको चाय नाश्ता कोल्ड ड्रिंक वगैरह कही है ना, कही आपको महत्व दिया जाएगा ना। तो ऑप्शन बी, शादी ब्याह छोटा मोटा फंक्शन भी होगा ना, तो आपको फ़ोन किया जाएगा, ठीक है ना, तब वो आपको पूछ के ही करेंगे कि आपकी छुट्टी कब है, हम उस समय करें, है ना। तो ये वाली है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो उनकी जो मुर्गी है वो दाल बराबर हो जाएगी, आप वहाँ पे हो जाओगे पनीर, है ना, आप वहाँ पे हो रहेंगे कढ़ाई पनीर, उनकी जो घर वाली मुर्गी है वो दाल बराबर हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए संध्या और रात्रि के बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय को क्या कहेंगे, तो संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है गोधूली, ठीक है ना, ये कई बार बताया हुआ आपको गोधूली, ठीक है ना, वो शादी के कार्ड वाला एग्जाम्पल लेके बताया था ना, उसमें जो प्रीण जो फेरों का समय जो होता है ना, प्रीण संस्कार, उसमें निकल लिखा हुआ आता है कई बार गोधूली बेला, तो ये वही वाला समय है ना वो। अब चलिए अगला क्वेश्चन, एक गिलास, एक पानी का गिलास दीजिए, जब आप आओगे ना तो आप कहोगे एक पानी का गिलास लाइए, तो तुरंत आपके लिए ठंडा सा पानी आ जाएगा, तो एक पानी का गिलास दीजिए, तो ये देखो गलत है ना, वाक्य गलत है, इसको अपने को सही करना है। अरे पानी एक कहाँ होता है, पानी कोई बूंद थोड़ी मांग रहे हो भाई, एक पानी की बूंद दीजिए, एक चढ़ू पानी की दीजिए, अरे बूंद थोड़ी मांग रहे हो पानी की, एक पानी का गिलास दीजिए, अरे एक पानी नहीं, अरे कोई पानी के कलर हल्का फुल्का होता है क्या भाई, एक पानी दो पानी वो होता है, पानी का एक गिलास दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे गिलास होगा एक, पानी का एक गिलास दीजिए, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, इन शब्द में अव्यय है, आपको देखो ये ऐसे पूछ रहा है कि जो नीचे शब्द लिखे हैं ना, ये देखो ये ऊपर खा गया, कौन खा गया है ना, जिसको पानी नहीं दिया वो इस अपने शब्द को खा गया है ना, इन शब्दों में अव्यय शब्द कौन सा है आपको वो बताना है। चल, दुधारू, पंजाबी और परंतु, तो यहाँ पे देखो आपका अव्यय शब्द बताइए कौन सा है,
तो ऑप्शन डी जो भी बालक बालिका ये ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। परंतु यहाँ पे अव्यय शब्द है दुधारू। देखो दुधारू क्या होता है, अरे जो आपको जो शाम सुबह आप जो दूध पीते हो ना उसी से जो आप दही बना लेते हो, छाछ बना लेते हो, घी खा लेते हो, तो जो पशु जो होते हैं ना, जो आपके गाय भैंस बकरियाँ जो भी भेड़ वगैरह है जो दूध देते हैं ना, दूध देने वालों को कहते हैं दुधारू पशु, ठीक है। तो दुधारू, ठीक है, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, आपको बताना है कौन सा शब्द है जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आपकी खिड़की है, सड़क है, नारा है या दर्शन है। तो देखो खिड़की अपन सिंगुलर में प्रयुक्त होती है ना, अपन कहते हैं ना खिड़की खोलो, है ना, खिड़की खोलो, ठीक है। सॉरी सदैव पूछा है ना, यहाँ पे सदैव पूछा है, ऐसे तो खिड़की का तो खिड़कियाँ भी बन जाता है, लेकिन जो आपके दर्शन है ना ये आपके सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अपन कहते हैं ना अपने श्याम, जो आपके श्याम दरबार है उसके दर्शन किए, माता जी के दर्शन किए, तो दर्शन आपके हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होगा। चाहे आप दो माताओं के करो या दो के करो, दो जने दो फ्रेंड करो, ठीक है ना, कितने भी लोग जाओ अपन यही कहेंगे कि हमने उस मंदिर के दर्शन करके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, सही स्थापना पत्र शब्द है, इसमें मतलब आपको सही बताना है कौन सा होगा जो आज तक से संबंधित हो आधुनिक जड़ से नष्ट करने की प्रक्रिया अनुमूलन। देखो वो अनुमूलन नहीं होता ना, हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक प्रहसन ये भी नहीं होता, आकाश से असंख्य तारों का पुंज निहारिका नहीं बोलते उसको ना, अनुमूलन तो लगाना होता है, नष्ट करना नहीं, वो तो अनुमूलन होता है ना। तो जो आज तक से संबंधित हो आधुनिक, अरे आप करंट अफेयर पढ़ते हो ना, समसाइनी की जो कमर करंट अफेयर जो आज तक से संबंधित हो वो होता है मॉडर्न आपका आधुनिक, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, किस क्रमांक के जो वाक्य में नीचवाचक सर्वनाम है, आपको बताना है किसमें नीचवाचक सर्वनाम है। उसका पता लगाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब काम में अपने आप करूँगा, आप पुस्तक पढ़े। तो सब काम में अपने आप करूँगा, ऑप्शन जो सी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सब काम में अपने आप करूँगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए गाइस, ये था आज का अपना सेशन जो अपन सभी ने मिलकर इसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए जिसको भी क्लास में मज़ा आया, इंटरटेनमेंट मैंने बिल्कुल आपका करवाया है, क्योंकि मुझे लगा क्या पता बच्चे बोरिंग हो रहे होंगे, क्योंकि अभी आपकी दो पिछले कल ही लगी थी ना, और कल और लगेगी ना शायद, कल हो सकता है लाइव भी आ सकता हूँ मैं या रिकॉर्डेड क्लास भी हो सकती है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं तो क्या पता बच्चे बोरिंग हो रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, क्योंकि लाइव क्लास है नहीं, तो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका निराकरण जो अभी हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। अब कल या परसों जब भी कोर्ट खुलेगा उस समय आपकी प्रॉब्लम्स जो भी है, जो आपकी बातें वगैरह जो भी आप करते हो, क्योंकि आपकी आदत पड़ गई ख़राब, लास्ट में 2-4-5 मिनट है ना, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय। सर रिकॉर्ड क्लास क्यों लग रही है ये सब आपको जब मैं लाइव आऊँगा उस समय बता दूंगा, ठीक है ना।